नमस्कार, मैं हूं समीप राजकरण। एक के बाद एक चुनावी किलों को फतह करने के बाद बीजेपी दिल्ली में जीत का झंडा गाड़ने की तैयारी में है। हालांकि यहां पार्टी को कड़ी चुनौती मिलने के पूरे आसार हैं। बीजेपी किसी को कमजोर समझने की भूल नहीं कर रही है और वोटरों का दिल जीतने के लिए अब दिल्ली की 895 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के फैसले पर मुहर लगा दी गई है। जाहिर है इन इलाकों में रहने वाले 60 लाख लोगों को अपनी ओर करने की कोशिश में है बीजेपी। पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की सत्ता बीजेपी के हाथों से फिसल गई। इसकी कसक अब तक पार्टी में मौजूद है। महज 4 सीटों की कमी ने उसे सत्ता से दूर कर दिया। अब दिल्ली एक बार फिर चुनाव के लिए तैयार है। बीजेपी इस बार कोई चूक नहीं चाहती। पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम दिल्ली की दावेदारी के लिए सबसे बड़ी ताकत है। दिल्ली चुनावों में बीजेपी विजय पताका लहराने को बेताब है। सरकार ने दिल्ली वालों के मन को मोहने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ा है। दिल्ली में चुनाव आते ही मेहरबानियों की बारिशें होने लगी हैं। जनता के बीच पैठ बढ़ाने के लिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने नया दांव चला। कैबिनेट ने दिल्ली में 895 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के फैसले पर मुहर लगा दी। और तो और, कट ऑफ तारीख भी बढ़ाकर 1 जून 2014 कर दी गई है, जो पहले 31 मार्च 2002 थी। तो जो पहले कट ऑफ डेट 31 मार्च 2002 तक की थी, उसको 1 जून 2014 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इस सारे का असर यह है कि 895 कॉलोनीज को इसका लाभ मिलेगा। इस फैसले से दिल्ली की 60 लाख आबादी सीधे प्रभावित होगी। बीजेपी इस फैसले को ट्रम्प कार्ड के तौर पर देख रही है। दिल्ली में 895 कॉलोनियां ऐसी हैं जो अवैध हैं। ऐसे में सरकार के इस फैसले के बाद सभी 895 अवैध कॉलोनियों को इसका फायदा मिलेगा। दिल्ली में वोटरों के बीच पैठ बनाने के लिए जी जान लगाने वाली बीजेपी के लिए तो मानो मुंह मांगी मुरादें पूरी हो गई। चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार का ये फैसला हर हाल में बीजेपी के हक में है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कहां ये गले उतरता, लिहाजा खुलकर दोनों ने विरोध किया। दोनों ने इसे चुनावी हथकंडा बताया। कांग्रेस ने तो इस फैसले को बासी करार दिया। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक शीला दीक्षित जब दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तभी इन अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया जा चुका था। आम आदमी पार्टी ने भी हल्ला बोला और कहा कि कॉलोनियों को नियमित करने के लिए कानून लाना चाहिए था। दिल्ली में अब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि फरवरी के महीने में दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं। पार्टियां अपनी ताकत लगा रही हैं। दिल्ली में अवैध कॉलोनियां एक अहम मुद्दा रही हैं। बीजेपी जानती है इन कॉलोनियों को वैध करके वो दूसरी पार्टियों के लिए भारी चुनौती पैदा कर देगी। कैबिनेट ने यह फैसला भले ही चुनाव से पहले किया है, लेकिन इस फैसले के अमल में आने में अनियमित कॉलोनी में रह रहे लाखों लोगों के सर पर लटक रही कार्रवाई की तलवार जरूर हट जाएगी। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली को जीतने के लिए बीजेपी ने पुख्ता रणनीति बनाई है। हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी को दिल्ली में पहली रैली करेंगे। अमित शाह खुद प्रचार की कमान पर नजर रखे हुए हैं। दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करने की कवायद में अब सियासी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिशों में लगी हैं। दिल्ली में प्रचार करने वाले स्टार प्रचारकों में अब नरेंद्र मोदी का नाम भी शुमार हो गया है। दिल्ली में बीजेपी अपने चुनाव प्रचार को चरम पर पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली करने जा रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी दिल्ली में कई रैलियां करेंगे, लेकिन पहली रैली 10 जनवरी को रामलीला मैदान में होगी। अभी निश्चित रूप से मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनसे हमने आग्रह किया है। अभी उनसे हमें समय मिलेगा, तारीख तय होगी तो निश्चित रूप से आपको बनाएंगे। बिना आपके मोदी जी की रैली संभव ही नहीं है और आप ही उस रैली को कवर करेंगे और मोदी जी की बात को सुनेंगे, समय आने पर बताएंगे आपको। पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम और उनकी लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद लगातार 4 राज्यों में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में तो उसकी सरकार है, जबकि चौथे राज्य जम्मू कश्मीर में पार्टी 25 सीट के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गई। यहां सत्ता तक पहुंचने के लिए बातचीत का दौर जारी है। दिल्ली में भी जीत दर्ज करना पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। आखिर पिछले चुनाव में सत्ता महज 4 सीटों से खिसक गई थी। पार्टी इस बार कोई चांस लेना नहीं चाहती।
दिल्ली के चुनाव के अहमियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह चुनावी तैयारी पर नजर रखे हुए हैं। हर आदेश पार्टी मुख्यालय से जारी हो रहा है। चुनाव के पहले बीजेपी दिल्ली में 18,000 करोड़ का प्लान लेकर आने की योजना बना रही है। इन पैसों से दिल्ली के चौतरफा विकास और बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। दिल्ली के वोटर को लुभाने के लिए ये बीजेपी का अमोघ अस्त्र साबित हो सकता है। बीजेपी एमसीडी की कमान संभाले हुए है, लिहाजा छवि सुधारने के लिए एमसीडी को 430 करोड़ दिए जा रहे हैं। बीजेपी दबी जुबान में इसे मान भी रही है। देखिए, बिल्कुल मेकओवर करने की तैयारी है, जरूरत है। स्वच्छता अभियान के लिए अगर आपको ध्यान हो, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने अभी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को एक ज्ञापन दिया था, और उसमें क्योंकि नगर निगम में तीनों जगह हमारा प्रशासन है, तो हमने नगर निगम की तरफ से 500 करोड़ रुपए के लगभग मांगा था, और वो अब सरकारी आंकड़ा 429 करोड़ का है आप बता रहे हैं जो उन्होंने मांगा है। तो इतने पैसे की आवश्यकता है दिल्ली में स्वच्छता अभियान को चलाने के लिए। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की तो हालत बहुत खस्ता है। द्वारका में पानी के लिए जल बोर्ड को 50 करोड़ पहले दे दिए गए हैं। गंदगी फैलाने वालों पर शिकंजा कसे जाने की तैयारी है। सराय कालेखां से मयूर विहार के बीच 3.4 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। बारापुला को भी धौलाकुआं तक ले जाया जाएगा। नितिन गडकरी ने संबंधित विभाग से बैठक कर इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री से दो दौर की बातचीत हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में एमसीडी, दिल्ली बीजेपी के नेता और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू में मंत्रणा जारी है। एमसीडी की दिल्ली बीजेपी के नेताओं की ओर से इन तमाम मांगों को जल्द पूरा करने की चिट्ठी इस बात का सबूत है कि बीजेपी दिल्ली का दंगल जीतने के लिए कितने दांव पेच आजमा रही है। रविश पाल सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। बीजेपी समेत तमाम पार्टियां हर स्तर पर अलग अलग चुनाव प्रचार कर रही हैं। पार्टी के 282 सांसदों को कमान सौंपा गया है। अपने राज्य के लोगों को बीजेपी की तरफ मोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना जा रहा है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं। मीटिंग, मंथन, बयान, प्रचार और पलटवार, ये दिल्ली की सियासत का चुनावी संग्राम है। बीजेपी समेत सभी पार्टियों ने दिल्ली में ताकत लगा दी है। दिल्ली की लड़ाई कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, केजरीवाल के लिए इज्जत की लड़ाई, तो बीजेपी के लिए मोच की। इस लड़ाई में अपनी जीत पक्की करने के लिए पार्टियां कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। दिल्ली की सत्ता के बहुत करीब पहुँच कर काबिज नहीं होने का गम बीजेपी पर बहुत भारी है, लिहाजा दिल्ली फतह करने के लिए पार्टी ने जबरदस्त जोर लगाया है। बीजेपी ने प्रचार के लिए 282 सांसदों को मैदान में उतारा। पूरी दिल्ली में जनसंपर्क स्थापित करने के लिए जोरदार मुहिम छेड़ी गई। मेट्रो, रेडियो, टीवी से प्रचार किया गया। पुराना फॉर्मूला है, जो दिखता है वो बिकता है, लिहाजा पूरी दिल्ली पोस्टर्स से पटी पड़ी है। पार्टी के सांसदों ने दिल्ली की सड़कों और अलग अलग इलाकों में झाड़ू थाम ली। इसके साथ ही पार्टी के 282 सांसद दिल्ली में बीजेपी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रचार के लिए कुल 900 जनसभाएं होनी है। प्लान के मुताबिक हर सांसद उन इलाकों में जाएगा जहां उसके प्रदेश के लोग रहते हैं। बीजेपी के रुख के हिसाब से दिल्ली में फरवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी में चुनाव कराने की संभावना ना के बराबर है। 26 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे, और ऐसे में जनवरी में दिल्ली पुलिस के पास वक्त नहीं है कि वो चुनाव में ड्यूटी निभा सके। फरवरी के आखिर में बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे जो करीब मार्च के आखिर तक चलेंगे। ऐसे में टीचिंग स्टाफ खाली नहीं होगा और स्कूल भी, यानी फरवरी के आखिर से मार्च के आखिर तक भी चुनाव की संभावना कम ही दिखती है। विरोधी दलों का कहना है कि बीजेपी वादों पर खरे उतरने में असफल रही, अब वो धर्म परिवर्तन जैसे मुद्दे उठाकर लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। हमारे पास संगठन भी है, और दिल्ली को कैसे बेहतर बनाया जाए, वर्ल्ड क्लास कैसे बनाया जाए, करप्शन फ्री कैसे बनाया जाए, इसका पूरा ब्लूप्रिंट हमारे पास मौजूद है। तो बीजेपी को खुद सोचना चाहिए कि नफरत फैलाने से क्या फायदा। तो क्या विरोध करेगी आम आदमी पार्टी इस बार? विरोध करने का सवाल नहीं, हम तो सिर्फ लोगों से कह रहे हैं कि लोग खुद इनके रेडियो कैंपेन को सुने और सुनकर अपनी धारणा बनाए कि ऐसी पार्टी को क्या वोट देना चाहिए जो सिर्फ किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करती है, जिसके अपने कोई मुद्दे नहीं है। उधर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर
धुआंधार प्रचार पर सवाल उठा रही है। इशारों इशारों में दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली कह रहे हैं, पार्टियां बताएं प्रचार के लिए भारी भरकम पैसे कहां से आए। बहरहाल, नाक की लड़ाई हो या फिर इज्जत की, दिल्ली एक साल के अंदर दूसरी बार चुनाव के लिए तैयार है। आज तक ब्यूरो। कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बने केजरीवाल के सामने अब की बार बीजेपी है। इस बार वो बीजेपी को अपना दुश्मन नंबर वन मानकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी भी केजरीवाल को हल्के में नहीं ले रही है। पार्टी की रणनीति से साफ है कि दोनों एक दूसरे से सतर्क हैं। दिल्ली में क्या बीजेपी आसानी से सत्ता तक पहुंच जाएगी या केजरीवाल उसे गंभीर चुनौती देंगे। दरअसल बीजेपी जानती है कि उसे दिल्ली में तगड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड की तरह यहां सत्ता तक पहुंचना आसान नहीं होगा। वजह केजरीवाल की स्वच्छ छवि का होना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाकर जमीन से उठे केजरीवाल यही बाजी मारने जाते हैं। केजरीवाल ने दूसरी पारी में दिल्ली डायलॉग के रास्ते दिल्ली वालों के दिल में उतरने की तैयारी की। राजधानी में ताबड़तोड़ सभा होने लगी। केजरीवाल पूरे दमखम के साथ उतरे। केजरीवाल दिल्ली के हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हर वर्ग के लिए अलग प्लान है। दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ये वैट डिपार्टमेंट का रेड एंड एक्सटॉर्शन रैकेट जो है ये बंद किया जाएगा। आप लोगों को व्यापार करने के लिए पूरा माहौल देंगे। ईमानदारी से व्यापार करने के लिए 27 डिपार्टमेंट बताए ना भाई साहब ने, 27 डिपार्टमेंट नेहरू प्लेस में आते हैं, इन सारे डिपार्टमेंट को घर में बिठा देंगे भाई साहब। आप लोग ईमानदारी से व्यापार करना, खुल के व्यापार करना, खूब व्यापार करना। चुनावी जंग को जनता के पैसे से जीतने का केजरीवाल का मंत्र भी खूब दिखा। 20,000 थाली से 20,000 की प्याली तक चंदा लिया गया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को डिनर डिप्लोमेसी काफी रास आ रही है। लाखों रुपए भी मिल रहे हैं और लोगों के साथ जुड़ने का मौका भी। आज तक ब्यूरो।